हमारे साथ है कैराना की सांसद इकरा हसन। संभल की जो घटनाएं हुई क्या कहेंगे आप? बीजेपी कह रहे कि सपा कह रहा है, सपा कह रहे कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं। देखिए, बीजेपी के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है स्टेट का, और जिस तरीके से पहले बहराइच में घटना हुई और अब यहाँ पर, सीधे सीधे इसमें शासन और प्रशासन की गलती है। प्रशासन सत्ता के हिसाब से काम कर रहे हैं और सीधी सीधी गोली मारी जा रही है लोगों पर, और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई बहुत अफसोसजनक है। और जितना भी आज कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मना रहे हैं, और एक तरफ हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो लगातार कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा रही है, तो बहुत सोचने की बात है, बहुत गंभीर विषय है और बहुत मन दुखी है इस घटना से। वो ये कह रहे हैं कि सपा के लोग कुंदरकी में खासतौर से जिससे हार हुई सपा की जो हार हुई वो पचा नहीं पा रहे हैं और जानबूझ के सुनियोजित तरीके से जो है ऐसे हालात पैदा किए संभल में। देखिए, जहाँ जिस सीट की वो बात कर रहे हैं वहाँ पर जो डेमोग्राफी है आबादी की, उस पर कैसे भाजपा जीत गई है ये भी एक सोचने का विषय है। वहाँ पर भाजपा के जीतने का कोई औचित्य नहीं बैठता, ये सब इन्होंने धांधलीबाजी करी है। तंत्र ने चुनाव जितवाया है, लोगों ने नहीं जितवाया ये चुनाव। और उसके बाद ये जो घटना हुई है, जो कोर्ट का आदेश था उसके आड़ में आप पूरे शहर में आप आग नहीं लगा सकते। और एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा सर्वे की टीम गई, वो सर्वे की टीम के साथ नारे लगाने वालों का जाने का तो कोई मतलब नहीं था। कहाँ पे था प्रशासन? क्यों नहीं पुलिस ने उन पर रोक लगाई? क्यों इस तरीके से नारे लगाने दिए वहाँ पे? और भीड़ तंत्र को लेकर सर्वे टीम का जाने का ये तो कोई तरीका नहीं है। तो ये खुद चाह रहे हैं, एक बार जब शांतिप्रिय तरीके से सर्वे हो गया था, ये खुद चाहते हैं कि दंगे भड़के, इस तरीके से मामला हो और ये फिर अपनी वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है चेहरे में ढक के जो है प्रद्युत ने जो है खासो सुनियोजित तरीके से इस तरह का उत्पात मचाया। देखिए, 5 लोगों की पुलिस द्वारा हत्या हो चुकी है और भीड़ को रोकने के और भी तरीके होते हैं, और मैं नहीं मानती कि वहाँ पर कोई इस तरह की घटना हुई है जो हमारी जानकारी में है। लोग ज़रूर विरोध में गए थे, क्योंकि जब आप नारेबाजों को संरक्षण देके साथ लेकर जाएंगे तो दूसरी तरफ वाले लोग भी विरोध कर सकते हैं। ये भी संविधान में दिया हुआ है कि हम शांतिप्रिय तरीके से अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन ये सोची समझी साजिश है और इसमें पूरा का पूरा सरकार का हाथ। जो संभल के आपके पार्टी के सांसद हैं उनको पहला आरोपी बनाया गया है? जी, द्वेष भावना से, क्योंकि वहाँ हमारे सांसद हैं, जहाँ ये आज तक अपनी लोकसभा की हार को ही नहीं पचा पा रहे हैं, तो इसलिए बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से हमारे प्रदेश में आगजनी कर सकें ताकि इनका माहौल दोबारा खड़ा हो सके। आपके लिए कौन दोषी है, क्या लगता है कौन उस हालात के लिए? देखिए, सरकार सबसे बड़ी दोषी है और सरकार को इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, और पीड़ितों की जो मदद है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो लोग जिनके नाम ये लोग रोज अज्ञात में कर करके नाम बढ़ाते जा रहे हैं, तो नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल के खास तौर से आप ही के पार्टी के जिया रहमान को कहना है कि मुसलमानों को टारगेट करके ये सब कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है, कई घटनाएं ऐसी हो गई हैं, और ये जो सरकार है ये खास तौर पर मुसलमानों को चिन्हित कर करके परेशान कर रही है, उनकी जान तक लेने का काम हो रहा है, तो इससे ज्यादा और क्या हम बुरा दिन देखेंगे आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के। क्या डिमांड कर रही हैं आप? हम न्याय की डिमांड कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसमें जो न्यायालय है वो इसमें गंभीरता से इस विषय को ले, और जो भी कार्रवाई हो सही लोगों पे हो, चाहे फिर वो प्रशासन के ही लोग क्यों ना हो।